टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में विकास कामों को लेकर हमेशा आवाज उठती रहती है, चाहे वो सड़क या गटर नाले या हॉकर्स या फिर सड़क पर गड्ढों का मामला हो या फिर डिवाइडर, इन कामों को पूरा करने की मांग हमेशा होती रहती है, मगर ये पूरे के पूरे काम ज़्यादातर आधे अधूरे पड़े हुए हैं और वजह बताई जाती है कि कोरोना संक्रमण की वजह से काम पूरा नहीं हो पा रहा था। डिवाइडर भी वैसे आधा अधूरा पड़ा हुआ है, कहीं डामरीकरण करने के बाद भी उसे वहां पाइपलाइन डालने के दौरान उसे दोबारा खोद कर छोड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि बिना सोचे समझे जहां जिसको जो काम समझ में आता है वो करता है और उसे वैसे छोड़ दिया जाता है। मगर विरोधी पक्ष नेता अशरफ सानू पठान ने कहा है कि आने वाला नया साल मुंब्रा के विकास का साल होगा। ऐसे में दरगाह रोड का भी काम चालू है जो सुंदरीकरण किया जा रहा है, मगर अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाला नया साल मुंब्रा कौसा में कितना विकास करता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल शानू पठान ने मुंब्रा शहर के विकास को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या आज थाने महानगर पालिका के हर क्षेत्र के अंदर आप मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख लीजिए कि थाने महानगर पालिका के हर वार्ड के अंदर क्षेत्र के अंदर कहीं ना कहीं बड़ी समस्याएं बची है, क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट और दूसरी तरफ थाने महानगर पालिका के क्षेत्र का खजाना है वो खाली पड़ा और नागरिकों के काम रुके हुए। नगर सेवक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक डॉक्टर जितेंद्र रावत जी के मार्गदर्शन में पूरी तरीके से लड़ रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, सूचना कर रहे हैं, लेकिन नागरिकों की सुविधा और जो समस्या है वो अभी भी कमी उनकी है, काफ़ी हद तक कई काम बाकी है क्योंकि महापालिका का खजाना खाली है। आप हाल ही में दो दिन के अंदर कार्यकाल में देखिए, अशोक वेती जी सभागृह नेता शिवसेना के जिनकी सत्ता है, वो क्लियर सभागृह के अंदर आरोप लगा रहे कि उनकी 14 लाख की टॉयलेट की फाइल कई महीनों से क्लियर नहीं हो रही, तो मूल सुविधा के ऊपर काम नहीं हो पा रहा है, शौचालय ये बाकी सब। कोविड के कार्यकाल में खजाना खाली हो चुका था, कोविड में करोड़ों रुपए महापालिका का और शासन का लगा है, इसके तहत विकास का जो काम है वो धीमी रफ्तार में, लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं हमारे नगर सेवक हम लोग दिन रात इस पर लगे हुए हैं, माननीय जितेंद्र रावत जी इस पे ऊपर लगे हैं और हम ये सारे काम दिन रात मिलकर इंशाल्लाह ताला करा के ही रहेंगे। देखिए टोरेंट जब से आई है, जब कोविड खत्म हुआ और कोविड की रफ्तार खत्म हुई, तब से ही जितेंद्र रावत जी अजीत दादा से पावर मिनिस्टर से कंटिन्यू संपर्क में है, कंटिन्यू मीटिंगें हो रही है कि पीडी के बिल के ऊपर कोई निर्णय लिया जाए, जो इंटरेस्ट है वो पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाए और ख़ास तौर से जो सोसाइटी है, जो चाली है, जो घरवासी है, उनके ऊपर टोरेंट दादागिरी ना करे, ऐसी भूमिका ली जा रही है। हम मुंब्रा कौसा के आवाम से आपसे गुजारिश करते आपके जरिए कि ऐसी कोई भी दादागिरी होती है आप हमसे संपर्क करें, दादागिरी टोरेंट की बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना ही सहन की जाएगी। नागरिकों को डिसिप्लिन में रहना चाहिए, जो सही बिल है वो नागरिक अदा करना चाहिए और वो नागरिक अदा भी कर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टोरेंट लोगों पे दादागिरी करे, इसके ऊपर हमारा सख्त डिसीजन है, हम दादागिरी को तो सहन नहीं करेंगे और आने वाले वक्त में टोरेंट पे भी जितेंद्र रावत जी एक बड़ा निर्णय जरूर ला के रहेंगे। एक मसला, हॉस्पिटल का काम पूरा हो चुका है, सामान जो थे वो उधर आ चुके हैं, डॉक्टरों और नर्सेस अच्छी होना चाहिए, उनका महापालिका नियोजन कर रहा है, ठहराव और कमिश्नर की मंजूरी ले रहा है, उस पर डिस्कशन हो चुका है, सभी नगर सेवक और हम लोग 3 बार हॉस्पिटल किस केदार पे काम कितना हद तक पहुंचा, उसकी फैसिलिटी क्या है दौरा कर चुके, अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल भी पूरा हो चुका है, आपको बहुत जल्द कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल शुरू मिलेगा। मुंब्रा कौसा को डॉक्टर जितेंद्र रावत जी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सैयद अली भाई साहब शमीम खान जी, हमारे सभी जो काम करने वाले लोग हैं, जो नगर सेवक है, उनकी तरफ से उनकी मेहनतों का आज मुंब्रा कौसा की दुआओं के नतीजे से हॉस्पिटल बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हजरत फखरुद्दीन शाह बाबा जो रोड है उसको रोड वाइंडिंग करके उसको बड़ा किया जा रहा है, ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है, डिसेंट्रलाइज मार्केट बनाया जा रहा है, एक मार्केट को एक अलग तरीके से रखा जा रहा है कि एक मार्केट भी रहे, कहीं ना कहीं हॉकर्स को भी उनका उनकी रोजगार से हटाया ना जाए,
तो सभी तरीके के काम चालू है, वो भी अंतिम टप्पे में, बहुत जल्द उसका भी इफ्तिदा इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हो जाएगा। क्या बन रहा है वहाँ पे गेट पे? बहुत सारी चीजें बन रही है, आप देखेंगे ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, हजरत फखरुद्दीन जा बाबा प्रवेश द्वार बन रहा है, रोड रस्तर उन्नीकरण करके उसको बड़ा करा गया है, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट बनाया जा रहा है, बहुत सारे विविध काम है, कैमरे लगाए जा रहे हैं। आपको बड़ा एक बड़ी मुमरा कोसा की सबसे बड़ी और खूबसूरत और चौड़ी सड़क वहाँ पे दिखे जाएगी, क्योंकि हजरत फखरुद्दीन जा बाबा का वहाँ पे दरगाह है, ईदगाह है हमारी, कब्रस्तान है, वहाँ कई मंदिर है, ये सभी चीज़ के लिए एक मुख्य रास्ता जरूरी था, वो एक मुमरा कोसा का सबसे बड़ा रास्ता आने वाले वक्त में आपको दिखेगा। डिसेंट्रलाइज मार्केट बनाने के लिए जो है महापालिका के साथ हम लोग सभी नगर सेवकों की चर्चा हुई, बैठक हुई, उसकी जो शुरुआत है वो अमरू नगर से की जाएगी, आपको जल्दी देखा जाएगा, देखने मिलेगा। लेकिन 30 मीटर का जो रोटर था, रोड था मित्तल का, 15 मीटर का एक जो रोड है वो पूरा कंप्लीट हो गया है सिर्फ, और उसमें आपको 25 या 30 फुट का एक गैप है, नाला ऊंचा है और रोड नीचा है, उसको लेवलिंग करके वो भी रोड चालू है वो, लेकिन पूर्ण कंप्लीट वो भी 15 दिन के अंदर होना चाहिए। जो रोड जो ट्रैफिक की समस्या है वो डिवाइड हो जाएगी, आपको ये 10-15 दिन के अंदर काफ़ी हद तक आपको सारे काम करे हुए कंप्लीट मिलेंगे। आप ये बात देखिए कि कोविड की वजह से ही हमारी 2 साल रफ्तार धीरे हुई, नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष जो है हमारे सभी नगर से हम लोग आवाम के बीच में दिन हो रात हो दोपहर हो कहीं ना कहीं हर जगह पे लगे। पार्टी की तरफ से तैयारी यही है, जितेंद्र रावत जी की का आदेश यही है कि हमें जिस वक्त लोगों ने चुन के भेजा था हमें उसी वक्त से ऐसा लगना चाहिए कि इसी साल इलेक्शन है, हम उसी तरीके से काम करते। और कोविड के अंदर भी आपने देखा होगा कि हमारे ही लोग रास्ते पे दिखे थे, आपदा थी तो हमारे ही लोग रास्ते पे, डेवलपमेंट है तो हमारे रोज लोग रास्ते पे, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी कामयाबी सबको नहीं मिल पाती। लेकिन आपको एक दिखाया जाएगा कि 70% 75% हमने जो वादे किए थे उसकी 75% से लेकर 90% तक वो वादे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरे किए गए। देखिए दो चीज़ें, एक देखा जाए तो नेगेटिविटी और एक देखा जाए तो पॉजिटिविटी। हम जब आए तो कोविड का काल था, महापालिका के पास बजट ही नहीं। आपको एक बात बता दूं, आपके न्यूज़ में ही बता रहा हूँ ये, कि पहले विरोधी पक्ष कार्यकाल में मैं हूँ जिसमें महापालिका ने बजट जाहिर नहीं की, बजट ही नहीं। जब बजट नहीं तो अपोजिशन लीडर और नगर से क्या काम करेंगे? 72 भाग के तहत आयुक्त के पास पावर होता है, उसके तहत इमरजेंसी वर्क भी नहीं हो पा रहे, जिसके लिए नगर सेवक अस्वस्थ है, कहीं ना कहीं उनके मन में शंका है, और शंका राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के नगर सेवक में नहीं, कुछ सभागृह के अंदर भी जो सत्ताधारी नगर सेवक है, ज्येष्ठ नगर सेवक अशोक वेदी जी, उनमें भी शंका थी, उन्होंने हाउस में ये बताया। तो कहीं ना कहीं कोविड की वजह से ये लोगों में शंका है, नगर सेवकों में आक्रोश था। लेकिन मैं अपने आप को वो खुशकिस्मत भी मानता हूँ कि मुझे जब पक्ष ने ये जिम्मेदारी दी तो उस वक्त पे कोविड का काल था, और मेरे अल्लाह ने मुमरा कोसा की आवाम के लिए मुझसे कोविड के काल में काम ले लिया, ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब मैं अपने आप को उसके लिए मानता हूँ कि मैं उससे संतुष्ट हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझसे काम करा। आने वाले 2022 में इंशाल्लाह ताला मुमरा कोसा के जो 95% काम कम्प्लीट हो चुके, वो सभी 5% जो बचे हुए वो आपको कंप्लीशन करते हुए शुरुआत कहीं ना कहीं हर जगह हो जाएगी, आपको ये देखने मिलेगा। क्योंकि दिन रात हम उसी काम पे लगे, हॉस्पिटल में दौरा कर रहे कैसा काम चल रहा है, सड़क पे दौरा कर रहे कैसा काम चल रहा है, डिवाइडर पे काम कर रहे कैसा काम हो रहा है, रोडों पे देखा जा रहा है कैसा काम हो रहा है, पानी की लाइन 25-25 साल से पुरानी है, बजट नहीं होने के कारण उसको नहीं बदला जा रहा है, क्योंकि अगर नहीं बदले तो रोड वापस खोदना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन इन सभी प्रॉब्लमों से संघर्ष करके हमारा पक्ष और हमारे नगर सेवक आगे बढ़ते जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमें कामयाबी मिलके ही रहेगी।